आजकल जो प्रेम आप बाजार में देखते हैं वो प्रेम नहीं, क्या है? जोर से, सिर्फ वासना। अच्छा ये बताओ, आजकल जो लड़का लड़की प्यार करते हैं ये प्रेम होता है इन लोगों में? हाँ या ना मैया, होता है या नहीं? होता तो करने दे फिर ये। हाँ ये कह कह के बिगाड़ रखा है आप लोगों ने, सब एक से नहीं होते, सब एक से नहीं होते। इसी चक्कर में पूरी अव्यवस्था है, सब एक से नहीं होते। हर गलत काम एक सा होता है मैया, हर गलत काम एक सा होता है। आप लोगों ने अपने ढंग से जो परिभाषाएं दी ना वो सब गलत थी। अब जैसे आज समाज की एक सबसे बड़ी अव्यवस्था क्या है, आजकल की लड़की को जो लड़का पसंद आता है शादी हो जाती है। माँ बाप से पूछने की क्या जरूरत, हम तो खुद मैच्योर हैं, अपने निर्णय डिसीजन खुद ले सकते हैं, माँ बाप की जरूरत नहीं। आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं, कुछ लड़के कहते हैं कि हमें माँ बाप से पूछने की क्या जरूरत, जो लड़का पसंद आएगा हम उसे जीवन साथी चुन लेंगी, हमें क्या जरूरत है माँ बाप से पूछने की। अब तुम बड़ी हो गई हो ना, समझदार हो गई हो, जब तुम छोटी थी ना तब तुम अपने डिसीजन ले लेती, अपने से पढ़ लेती, अपने से स्कूल की फीस भर लेती ना। आजकल की औलाद भी स्वार्थी है साहब, माँ बाप के फीस से पढ़ तो लेती और जब पढ़ लिख कर उसे लगता है कि अब तो हम पढ़ गए, सेल्फ डिपेंड हो गए, अब माँ बाप की क्या जरूरत। तो जैसे दूध से लोग मक्खी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, ऐसे कुछ औलादें आजकल अपने माँ बाप को किनारे कर देती हैं, दूध की मक्खी की तरह। अब तो माँ बाप की जरूरत ही नहीं, अब तो हम योग्य हो गए ना, अब तो हम सेल्फ हो गए ना, अब तो हम कमा सकते हैं, अब माँ बाप की क्या जरूरत थी। ऐसा होता है या नहीं? हाँ, स्वार्थी हो गया है संसार, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थी हो गया जमाना।